तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक होम थिएटर आया है और आप अगर होम थिएटर की कंडीशन देख लेंगे तो होम थिएटर पे आपको तरस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर ने जब हमको दिया था ये चीज, तो ये चीज का कंडीशन देख के हमें भी कुछ देर के लिए ये चीज रोना आ गया था कि भैया कस्टमर ने इसके साथ क्या किया, या फिर किसने पता नहीं क्या किया है, ये तो हमें नहीं पता है। बट जैसा कि देख सकते हैं, इसके साथ इसका जो किट है ये भी नहीं है, और ये तो मैंने अभी तो इसका एक्सपेरिमेंट किया था, ये लगाया था, तो सोचा एक वीडियो बना दे, तो इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो चलिए इसको भी साइड करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग जैसा होता है वैसा ही है। और जो अब इसके साथ जो रियल में मजाक होने वाला है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके साथ अब कुछ बचा हुआ नहीं है, जो भी है सब कुछ इसके साथ वाट लगा दिया गया है, सब कुछ इसके तार है, कुछ नहीं। बट चलिए दोस्तों, इसको हम आज बनाने वाले हैं ब्लूटूथ, इसी किट से और इसी के मदद से कैसे बना सकते हैं और कैसे बनाना है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें एक जरूरत पड़ेगी ब्लूटूथ किट की। ब्लूटूथ किट के लिए नॉर्मल से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया किट के साथ, तो ये नॉर्मल आपको ये जो नेकबैंड वाला किट मिलता है, नेकबैंड वाला किट वो आप, तो ये नेकबैंड में आपको मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जैसे देख सकते हैं ये साउंड वाले में आता है, तो ये चीज जोड़ चुके हैं। और यहाँ पे हमने बटन, जो ये बीच वाला बटन था, ये बीच वाले बटन को हमने कट करके, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बीच वाले बटन को कट करके इसमें ये दो प्लस माइनस में मतलब ऑन करने के लिए वायर जोड़ दिए प्लस माइनस का ये, लेकिन वो प्लस माइनस के नहीं, सिर्फ ऑन करने के लिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस जस्ट सिंपल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ब्लूटूथ ऑन करने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा पिन लगा दिया कि इससे ब्लूटूथ मतलब चार्ज हो या ऑन हो, जो भी हो। तो यहाँ पे हमने ब्लूटूथ का वो वायर लगा जोड़ दिया है, तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसकी कोई झंझट और जरूरत भी होने वाली नहीं है। इसका वायर होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है, इस वायर को क्रैक करके तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, इसको कोई मतलब भी नहीं है। तो जब अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको क्या करना है, इसको तो हमें रखना ही है। अब आते हैं हम नेक्स्ट काम पे। तो एक बार हम आते हैं, देख लेते हैं कि हमारा जो ये जो होम थिएटर है वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। तो आपको आना एक बार चेक कर लेना है, जो आपका होम थिएटर है वर्किंग कंडीशन में है, आना है। तो आइए हम इसको ऑन करके एक बार चेक कर लेते हैं कि वर्किंग कंडीशन में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, करते हैं, क्योंकि इसका कस्टमर आप देख सकते हैं इसका प्लग तक तोड़ दिया गया। चलिए जबरदस्ती में करते हैं इसको, तो इसको यहाँ करते हैं। अब हम मल्टीमीटर के द्वारा चेक कर लेते हैं कि इसमें पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, पावर यहाँ पे पावर आ रहा है, पावर तो आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम जैसे क्लिक करके एक बार चेक कर लेते हैं, तो इसमें से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा है। तो बस आपको यहीं से अब करना है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो ये लाइन दिए होते हैं, जो इसमें से तार जो लगे होते हैं, ये पांच छह जो इस कलर के तार लगे होते हैं इसमें, वहीं पे ये जो लाइन लगे होंगे इसी पे आपको एक बार उंगली रख के चेक कर लेना है। लाइट चला गया दोस्तों, अब इसे बैटरी वाले में लगाते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे, उंगली टच करके इसे देखते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा होगा। चलिए, तो हमारा प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है, आइए अब दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ले सकते हैं हम इसको, हम किट को लेते हैं और किट का जो साउंड वाला है, इस साउंड वाले को हम इसमें सेटअप करते हैं। अब सेटअप कैसे करना है, आपको किसी को भी कहीं भी इसको रख देना है, कहीं भी इसको रख के, और इसमें आपको प्लस माइनस या फिर कोई भी झंझट, प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो चलिए इसमें बड़े वाले को, इसमें बड़े वाले को इसमें जोड़ देते हैं। और छोटे वाले को इसके साथ जोड़ देते हैं। चलिए, ज्यादा कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगाना है। और यहाँ पे जो अभी हमने इसके साथ, इसके पहले जो ये चीज जोड़ा था, ये ब्लूटूथ वाले में, जो बैटरी वाले में है, इस बैटरी वाले को हमको जोड़ देना है यहाँ पे, मतलब ये जो चार्जिंग वाला है इसको जोड़ देना है हमको बैटरी वाले के साथ। प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जुड़ चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका प्लस माइनस, प्लस माइनस हम जैसे कि लगा चुके हैं। अब चलिए हम आइए ब्लूटूथ को भी ऑन करते हैं, ब्लूटूथ ऑन करके दिखाते हैं आपको। अब जल्दी इसको ऊपर उठाते हैं और रखते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्लग को हम लगाते हैं इसके साथ, इस प्लग को यहाँ पर लगाते हैं चार्जिंग वाले को इसके साथ। प्लग ऑन हो गया,
अब इसका जो हमारा ब्लूटूथ है इसको हम ऑन करते हैं। आइए ब्लूटूथ को ऑन करते हैं। वेलकम टू फांसी म्यूजिक वर्ल्ड। जैसे देख सकते हैं हमारा एक छोटा सा ब्लूटूथ पूरे स्पीकर को ऑन कर, जैसे कि आप देख सकते हैं अब कनेक्टेड हो चुका है। अब हम सॉन्ग को प्ले करते हैं। कनेक्ट करा लिया इसको और कनेक्ट करा के और कनेक्ट ही करा लिया है। कनेक्ट हो चुका है। अब कनेक्ट करके आके सॉन्ग प्ले करते हैं। कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं, देखते हैं साउंड क्वालिटी से। साउंड से आप समझ सकते हैं। चलिए आइए इसको प्ले करके देख लेते हैं कि क्या इसका बैक वाला हिस्सा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए हम इसमें से एक स्पीकर लेते हैं कोई भी, और स्पीकर लेते हैं और लगाते हैं। देख सकते हैं हमें बहुत कम ही खर्चे में हमारा एक बनके होम थिएटर ब्लूटूथ में तैयार हो चुका है। ब्लूटूथ होम थिएटर तैयार हो चुका है। अब इसको आसानी से सेटअप करना चाहे तो आसानी से सेटअप कर सकते हैं। कोई आसानी की मुश्किल नहीं है इसमें, आसानी से सेटअप कर लीजिए। अब अपना जो भी सेटअप करना है, अब आपको इधर कुछ नहीं करना है, जो भी करना है कुछ नहीं करना है। अगर ना इसको सेटअप करना है तो इसको ओपन करके आप सेटअप आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे सेटअप है। तो बस ये चीज तो आप समझ चुके कि आसानी से अभी ब्लूटूथ किट के द्वारा किट से आप कितने अच्छे एक ब्लूटूथ होम थिएटर बना सकते हैं। फीके हुए घर पे, आपके घर में भी ऐसे नए ऐसे ब्लूटूथ होम थिएटर होंगे तो इसको आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम चलिए सेटअप कर लेते हैं। अब सेटअप करके बाकी सेटअप तो आप लोग जानते हैं कैसे सेटअप करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे आसानी से आप सेटअप कर सकते हैं। हमें देख सकते हैं हमारा ब्लूटूथ इधर आ गया। अब सेटअप हो सकता है आसानी से, ये सेटअप करके इसको जो भी लगाना आप लगा लीजिए। अब आसानी से